स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी एंटरटेनमेंट चैनल पे। अगर आपने 25 अप्रैल 2018 के बाद बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की है, अगर आपने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए फॉर्म अप्लाई किया है लेकिन आपको पैसा नहीं मिला है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। चाहे आप अंगीभूत कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे आप संबंध कॉलेज के स्टूडेंट हो। पहले आप लोगों को बताया गया था कि जितने भी अंगीभूत कॉलेज हैं उन्हीं को पैसा मिलेगा और जितने भी संबंध कॉलेज हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी मान्यता जो है रद्द कर दी गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था? और अब एक नई अपडेट निकल के आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि दोनों कॉलेजों को मिलेगा। तो क्या है यह न्यूज, इस न्यूज को आप पूरी देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित आपको कोई भी परेशानी हो तो मैंने हर एक टॉपिक पे वीडियो बना दिया है और उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि अंगीभूत कॉलेज की छात्राओं को पहले मिलेगी राशि, जहाँ जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनको जो है पहले राशि मिलेगी। और ऐसा यहाँ नहीं बताया जा रहा है कि जो संबंध कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको पैसा नहीं मिलेगी। तो ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं हुई है, यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि अंगीभूत कॉलेज के छात्राओं को पहले मिलेगी राशि। ठीक है, पहले इस न्यूज को हम लोग पढ़ लेते हैं। स्नातक व छात्राओं को मिलने वाली कन्या उत्थान योजना की राशि का लाभ पहले अंगीभूत कॉलेज की छात्राओं को मिलेगा। जांच पड़ताल होने के बाद संबंध कॉलेज की योजना में मदद राशि दी जाएगी, उसके बाद जो है संबंध कॉलेज जितने भी हैं उनको पैसा दी जाएगी। और संबंध कॉलेज में बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई थी, इस कारण से उनको पैसा अभी नहीं दिया जा रहा है। कई त्रुटियों को मद्देनजर रखते हुए विभाग के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रति छात्रा को 25,000 रुपया देना है। जो भी स्टूडेंट 25 अप्रैल 2018 के बाद पास हुए हैं, सिर्फ छात्राएं, उन्हीं को यह राशि मिलेगी। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, अगर आप 25 अप्रैल 2018 के बाद पास हैं तो आप फॉर्म अभी भर सकते हैं, आपके पास टाइम है। वर्ष 2018 में पास स्नातक की छात्राओं को अभी यह लाभ देना है। संबंध कॉलेजों की समानता को लेकर मामला उठने के बाद इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। दो दिन पहले शिक्षा विभाग की ओर में शामिल किए गए अधिकारियों ने कहा कि कई कॉलेजों की मान्यता जो थी रद्द कर दी गई थी। ठीक है, कुछ दिन पहले जो थे बहुत से कॉलेज थे जिसकी मान्यता जो है यूनिवर्सिटी ने रद्द कर दी गई थी और कॉलेज ने अपनी गलती यहाँ पे दोहराई थी। और कॉलेज को निर्देश दिया गया था कि आप जनरल कोर्सेज में ही आप एडमिशन लेंगे, लेकिन कॉलेज ने क्या किया कि जितने भी ऑनर्स कोर्सेज है उसमें भी एडमिशन ले लिया छात्राओं का, और इसके कारण जो है कॉलेज की मान्यता वहाँ पर समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, छात्राएं परीक्षा भी पास कर गई, इस तरह भी जानकारी विभाग तक पहुंची है। इसके अलावा भी कई तरह की त्रुटियां सामने आई है। इसी मामले को लेकर विभाग ने बीवी के कई बिंदुओं पर जवाब मांगा था। बैठक में यह कहा गया कि पहले अंगीभूत कॉलेज की छात्राओं को लाभ मिलेगा, इसके बाद ही संबंध कॉलेजों की छात्राओं को इसका लाभ दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बिहार यूनिवर्सिटी में 14,000 छात्राओं को इसका लाभ जो है मिल चुका है। अभी तक बात करें तो 14,000 छात्राओं को इसका लाभ जो है मिल चुका है और बहुत सारे ऐसे अभी छात्राएं हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिला है। तो टोटल बात करें तो इस कॉलेज में 2018 में अफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज को मिलाकर, संबंध कॉलेज को मिलाकर टोटल 35,000 छात्राएं पास हुई थी। 35,000 छात्राएं पास हुई थी, सभी को पैसा दिया जाना था, लेकिन अभी सिर्फ उसमें से 14,000 को ही मिला है और जल्द ही इन सभी छात्राओं को यह राशि दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।